पूर्णिया से सभी सम्मानित साथियों, इस मेला प्रांगण में कार्यक्रम देखने आए मेरी माँ और बहने, अग्रस्त भाइयों, मेरे अनुज, मेरे अभिभावक, पत्रकार बंधु, मैं भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है, आप लोग उत्सव मनाने आए हैं। हमेशा से किसी न किसी अवसर पर उत्सव मनाया जाता है। मैं दो तीन बात कह करके आपसे विदा लूंगा। पहले तो आप ये समझें कि ये जो कृष्ण कृष्ण नाम को करा, कृष्ण जो है ना, कृष्ण आकर्षण का नाम, और भगवान शब्द जो है वो भी आकर्षण का नाम है, जिसके भीतर संपूर्ण मानव जीवन को अपने रस में डुबो लेने की और अपने भीतर लेकर आनंद देने की क्षमता हो, जिसमें उद्भव हो, उसे ही लोग भगवान मानते। कृष्ण में ये सारे रस थे, गुण थे, जिन्होंने अपने रस में संपूर्ण मानव सभ्यता को दुनिया से अपने रस में पिरोया और प्रेम के सार में संपूर्ण विश्व को बांधने की कोशिश की। कृष्ण का यही सबसे बड़ा उद्धृत पंक्ति है, कृष्ण कर्मवादी व्यक्ति थे। वैसे आप जानते हैं कि दुनिया में भगवान को बिना समझे पूजा गया। 12,000 वर्ष किसको समझते, ना ज्ञान था, ना किताबें थी, ना लिपि था, ना वर्ण था। आज जब हमारे पास समझ नहीं है, जब हम अध्यात्म और विज्ञान के संबंधों के बीच अपने जीवन को लेके चलने के राह को खोजते रहते हैं, जब आज हम एक व्यक्ति को नहीं समझ पाते हैं, व्यक्ति के साथ रह के, हम जब पति पत्नी एक साथ रह के एक दूसरे के बीच अंतरंग रिश्ते होने के बावजूद जब रिश्ते की अहमियत नहीं दे पाते, पत्नी अपमानित होती है, माँ अपमानित होती, भाई अपमानित होते, पड़ोस अपमानित होते, जब आज इस युग में जब हम 125 करोड़ की आबादी में अर्थ का युग जहाँ हो, जहाँ विज्ञान का युग हो, अध्यात्म का युग हो, तब हम मानवीय जीवन को ना तो समझ पाए, ना हम अपने हमें दिए गए जीवन के मूल्य को हम समझ पाए। तो तब 12,000 वर्ष पहले जब सदा शिव का आदि गुरु का उद्भव हुआ था, तब हमने उसको कैसे भगवान माना। 10,00,000 वर्ष पहले इस दुनिया में एक पांडुली के रूप में इस धरती पर एक चीजें आई और उसके बाद लगातार चलता रहा। साइंस ने भी इसी बात को कहा, नासा ने भी कहा, अध्यात्म ने भी कहा, हर तरह से अलग अलग तरीके से लोगों ने। और रिश्ते की शुरुआत जो है ना, वो सदाशिव के काल से हुई। पूरी दुनिया काबिलाओं में बटी थी, 3 काबिला थे, काबिला के सरदार ही उनके सर्वोच्च हुआ करते थे। लेकिन चूंकि जानवर रूपी पद्धति जिंदगी की एक स्वरूप जो था, कंप्लीट जानवर का स्वरूप, तो उन्हें ना विवेक था, ना ज्ञान था, ना संबंध था, ना रिश्ते थे। तो शिव ने तीनों काबिलाओं की कन्या से शादी रच के और दुनिया को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की और कहा, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो होल सब बस शिव ने भी नृत्य दिया, संगीत दी, साधना दी, संपूर्ण मानव जीवन को जीने की कला दी, सिखाया। लेकिन आप सब हुए क्या, सब अलग। शिव ने जोड़ा आपको, 10,00,000 का छोड़ दीजिए ना भैया, प्लीज छोड़ दीजिए भैया, प्लीज छोड़ दीजिए। 10,00,000 वर्ष पहले इस धरती पर एक चीज आई, वहां से हम लोग की जिंदगी शुरू हुई। हम लोग आज अलग अलग कैसे हो गए, जबरदस्ती भगवान को आप लोग मनाते मानते। और यदि हम 10,00,000 वर्ष, जिसके पास अपनी समझ नहीं है, जिसने नियति और भाग के भरोसे धरती पर आए और कहते हैं यही नियति है, यही भाग है, समझ
से जरा भी सरकार नहीं, तो आप सदा सीट से उठा लीजिए आदि गुरु। आम जब किसी भी परिवार में समाज में विवाह की शुरुआत होती है तो सबसे पहले शिव विवाह की चर्चा होती है, तो शिव विवाह इस धरती पर सबसे पहली रिश्ते की शुरुआत का सबसे पहला आयाम जो है वो शिव के काल का। तो तब भी शिव परिवार ही हम लोग है ना, शिव का ही रस है ना हमें, शिव का ही सार है ना। यदि हम शिव के 12,500 वर्ष बाद यदि महाभारत कृष्ण के काल में आए 6,500 में, तो कृष्ण के काल को देख लीजिए। साधारण सी चीज, कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, अर्जुन की बहन, और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा कृष्ण की बहन। यदि हम यह भी मान लें कृष्ण के रूप में ही, आपके रूप में कृष्ण कभी कोई जाति, भगवान कभी कोई जात नहीं हो सकता ना, आप जबरदस्ती सबको जात बना दीजिए, घर बना दीजिए। यदि मान लें अभी आपके अनुसार कि अर्जुन क्षत्रिय थे और कृष्ण रोग वंश से थे, तो सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई और रुक्मणी की शादी कृष्ण से, तब भी तो जीवन एक ही है ना। जिस एंगल से आप लीजिए दुनिया को घुमाइए आप, कहां हम लोग हैं, आप उसको जोड़ के देखिए साइंस ने क्या कहा, आप हम अलग हैं कहां, जीवन कहीं से शुरुआत हुआ होगा ना। यदि आपको नहीं समझ में आता हो, 10,000,000 वर्ष आप नहीं पढ़े हैं, या विज्ञान जो जानता है उनसे पूछे जो साइंस पढ़ा है, जिसने भूगोल साइकोलॉजी भूगोल इन सब सारी चीजों को लिया है, वह बच्चे वह विद्यार्थी बता सकते। लेकिन जो नहीं समझते हैं मैं उसको एक बात समझाना चाहता हूँ, यदि हम जाते जाते हम